गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये हम बैठे हैं एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, जहां पर हमें इंस्पायर करने के लिए काफ़ी फेमस डॉक्टर, डाइटिशियन और एक आईएएस ऑफिसर को भी बुलाया था। और ये हैं फेमस डाइटिशियन ऋषिता शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम एक हेल्दी डाइट रखकर अपना पीसीओडी पीसीओएस प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर हमारे साथ ज्वाइन हुई डॉक्टर बिंदु यादव, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय फेवरेट फ्रॉम द होल सेशन, मिस गुंजन चौहान, जो कि एक कमिश्नर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इन्होंने हमें लाइफ के एक्सपीरियंस बताकर काफ़ी मोटिवेट किया और बताया कि यू नो हाउ अ वुमन शुड सेट बार सो हाई फॉर हरसेल्फ एंड एम्ब्रेस द फेमिनाइन पावर शी हैज़। वी ऑल वर जस्ट मेजमराइज्ड बाई हर कॉन्फिडेंस एंड सच वुमेन, माई गॉड। यही जो वुमेन होती है ना, यही रियल फेमिनिस्ट होती है, जो कि सारी लड़कियों को इंस्पायर करती है। फिर कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है और मैं जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में। और मेरा बहुत टाइम से पीजी से खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बाहर से खा लिया। और हमने मंगवाया एक, ये देखो इनको खाना आया नहीं कि पहले स्नैप ले लेते हैं। हमने मंगवाया था वाइट सॉस पास्ता, जो कि काफ़ी डिलीशियस था। और फिर हमने मंगवाया फ्राइड राइस, फ्राइड राइस का भी स्नैप लेंगे। और फिर ये देखो हमने यहाँ पे रख दिया था ये खाखू के। तो अब मैं आ गई हूँ नहाकर छत पर, पीजी में हूँ। और मेरी फ्रेंड पॉम्पी जो है वो अभी रूम पर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आ जाएगी। फिर मैं लेट गई धूप में और मैं ये नज़ारा देख रही थी लेटे लेटे। और ये देखिए हमारे पीजी से हॉस्पिटल, ये यूनिवर्सिटी कैसे दिखाई देती है। आसमान आज काफ़ी साफ़ था, यूजुअली इतना साफ़ रहता नहीं है। और ये आप देख सकते हैं जिस गांव में मैं रहती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो गाने सुनते हैं, और गाने सुनते सुनते अपने बालों को भी सुखा रही थी, कोई तो था नहीं आसपास, तो सोचा थोड़ा फुदक ही लूँ। और वैसे भी आज ही मैंने कॉन्फ्रेंस में सुना था कि हमको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, ताकि जो है हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और हमको पीसीओएस पीसीओडी जैसी बीमारियां ना हो। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मैंने सोचा गाने सुनते सुनते थोड़ा नाच भी लेती हूँ। और बस इधर उधर देख ही रही थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, एक आंटी देख तो रही थी, बट फिर मैंने सोचा चलो जाने दो। और फिर मुझे लगा म्यूज़िक बज रहा है, तो फिर थोड़ा थिरक ही लेती हूँ, कितना ही देखेगी आंटी मुझे। और आंटी देख भी रही है तो क्या हो गया, आंटी का ही एंटरटेनमेंट हो जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे मैं स्ट्रेस रिलीज़ कर रही हूँ, क्या पता उसका भी स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा हो मुझे देखकर। फिर इस महिला दिवस को ख़ास बनाने के लिए हमारी दो महिला मित्र यहाँ आई थी, जिनको हमने थोड़ी देर बाद कहा कि चलो हम बाहर चलते हैं। हो गए हैं शाम के 6, और अभी हम अपने इन फ्रेंड्स के साथ जाएंगे यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी की टपरी में। कौन सी टपरी में जाएंगे हम? छपरी की टपरी। तो मैं आ गई हूँ अपने पीजी से बाहर और अपनी फ्रेंड्स के साथ, वो भी आ रही हैं पीजी से बाहर निकल रही हैं। और अभी हमको मिलेंगे स्वप्निल और अनिरुद्ध। आजो आजो, ये देखिए जस्ट हमारे पीजी के पीछे हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं। फिर हमें मिलता है अनिरुद्ध, और फिर हम इसको अपने साथ उठाकर ले जाते हैं इसके पीजी से। इस ब्रेकिंग न्यूज़, पॉम्पी आज अनिरुद्ध को भाव भी नहीं दे रही। वहाँ देखो, रुक जाओ मैं आपको दिखा। और ये देखिए महिला मित्रों के साथ पुरुष मित्र पर अत्याचार, ठीक है भाई, वुमेन्स डे है। हाय भी नहीं किया, दुखी मत हो, कोई बात नहीं। अरे देख आज हमारा मैचिंग हो गया। दुखी नहीं, रो रहा हूँ। मत रो मत, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नादान है बेचारी। देख हमारा कलर मैच हो रहा है ना, पूरे ब्लॉग में मेरा ही चेहरा आ रहा है। हाँ यार क्या करें, यही एकमात्र दोस्त है मेरा। आज आज लेट हो गया थोड़ा, अरे वो एक्सरसाइज कर रहा था ना, इसलिए कॉल करने में लेट हो गया। एक्सरे कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका नाम है नेहा। पिंकी। सॉरी सॉरी, अबे यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। इसका नाम पिंकी है और ये मेरे स्टेट से है गाइस।
सॉरी यार, इस यूनिवर्सिटी में अपने स्टेट का इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। वो भी गढ़वाली, वही उत्तराखंड से, और वो भी गढ़वाली। मुझे मतलब मिल जाते इधर उधर की कम्युनिटी के, हाँ, एक ही गांव के। तू तो और दूसरे इंसान से आपको मिलाते हैं, आ जाओ। ये है नेहा, जिसका नाम मैंने पहले बोल दिया था। ये बिहार से है और ये हमसे छोटी है, उम्र में नहीं, उम्र में भी हाइट में लंबी है, हाइट में लंबी है। और आपके वीडियो में भी नहीं आ पा रहे इतने लंबे, वैसे छोटी। आप देखो, अब आए सुंदर चल रही आगे स्त्री, ये सुंदर ही आगे चल रही। और वो सुंदर स्त्री, उसका तो क्या ही परिचय देना, वो तो मेरी रूममेट है, आप उसे देखते ही रहते हैं। हुड़की पड़ी है उसमें, पड़ी जाने जहाँ, सबसे हंसे सबसे जवान। अरे गाइस, मैं अनिरुद्ध को फिर से भूल गई थी और वो आ रहा है, और मैं उसका वेट करूँगी। मैं पॉम्पी की तरह उसको छोड़ूंगी नहीं। और ये देखिए कैसा आ रहा है बेचारा, इसे क्या पता कि मैं तो इसको भूल ही गई थी कि ये भी है हमारे साथ। फिर आए हम इस टपरी पे, जिसका हमने आपको बताया था, छपरी की टपरी। किसी ने कॉफ़ी पी तो किसी ने चाय, और मैंने ये बिस्किट, और इसने भी बिस्किट ही खाया। और ये देखिए हम लोग कैसे यहाँ पे गप्पे मारते हैं। और ये देखिए हमारी यूनिवर्सिटी कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे बैठे बैठे। हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने का मौका मिल जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। चाहे कुछ भी ना खाना हो फिर भी यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो गाइस, अब इनसे अलविदा लेने का टाइम आ गया है, और हम कितने बेकार दिख रहे हैं यार। बाय गाइस, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। पहले तुम लोग भी कर देना, ठीक है। नहीं करेंगे तो ठीक है, दफना देंगे जिंदा। और कुछ और क्या करेंगे आप? काट काट के रोटी बनाएंगे।